विपक्षी दलों के सबसे बड़े गठबंधन INDIA की बैठक मुंबई में शुक्रवार से शुरू होगी। इस बैठक के शुरू होने से पहले चर्चा गठबंधन के संयोजक और 11 अहम सदस्यों की बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन के नाम को लेकर ज्यादा हो रही है। सूत्र कह रहे हैं कि संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पर सोनिया गांधी या उनकी ओर से नामित जो भी सदस्य होगा उसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा 463 लोकसभा सीटों पर विपक्ष का एक प्रत्याशी उतारे जाने का भी खाका तैयार होगा। फिलहाल मुंबई में होने वाली बैठक की तैयारियां जोरों पर है और कई बड़े नेता मुंबई भी पहुंच चुके हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन की यह तीसरी बैठक मुंबई के पवई इलाके में होने जा रही है। गुरुवार को शुरू होने वाली इस बैठक में गठबंधन के शुरुआती चरण में शामिल प्रमुख दलों के नेता पहुंचने वाले। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के संयोजक के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो सकता है। गठबंधन को बनाने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सूत्रों का यह मानना है कि नीतीश कुमार के नाम को लेकर ज्यादातर दलों ने सहमति भी दे दी है। हालांकि नीतीश कुमार ये कहते रहे हैं कि मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं, मुझे पद की लालसा नहीं है। कुछ मुद्दों पर जरूर 3-4 दलों ने अपनी बात रखी है, लेकिन नीतीश के नाम पर ज्यादातर दल जो है वो एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं कि जिस तरीके से सभी दलों को एकजुट करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पहली बैठक की थी, उसके बाद से ही ज्यादातर दलों के नेताओं ने नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ाया था। मुंबई में होने वाली बैठक के दौरान अनुमान यही लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर सर्वसम्मति के साथ ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा मुंबई की इसी बैठक में इस गठबंधन के नेताओं की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई जाएगी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में UPA की जो चेयरपर्सन रही हैं सोनिया गांधी का नाम सुझाया गया है। गठबंधन में शामिल एक प्रमुख दल से जुड़े वरिष्ठ नेता ये भी बताते हैं कि सोनिया गांधी इस पद को स्वीकार करती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि विकल्प के तौर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पर सोनिया गांधी की ओर से बताए गए किसी अन्य नेता को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुना जा सकता है। गठबंधन में सभी नेताओं के साथ समन्वय करने वाली पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आ रही है कि किसी भी दल के नेता की ओर से किसी भी महत्वपूर्ण पद की चाहत नहीं है। वो कहते हैं कि विपक्षी दलों की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस गठबंधन में सभी नेता अलग अलग पदों की चाह रखते हैं, लेकिन संयोजक से लेकर चेयरपर्सन तक के लिए किसी ने अपनी पार्टी के नेता का नाम नहीं रखा है। वो ये भी कहते हैं कि जो भी नाम तय किया जा रहा है वो सर्वसम्मति और एक व्यवस्थागत तरीके से ही आगे बढ़ेगा। इस बैठक में संयोजक और चेयरपर्सन के अलावा लोकसभा में विपक्ष के एकल प्रत्याशी को मैदान में उतारने का भी पूरा रोडमैप तैयार हो रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। सूत्र कह रहे हैं कि मुंबई में आयोजित होने वाली बैठक में पहले ही दो बैठकों के बाद देश के 463 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाने का पूरा खाका खींच लिया गया है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को मुंबई में हो रही बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा होगी, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्र में जनता के बीच इसका संदेश भी जा सके और सभी दलों के नेताओं को एक साथ एकजुट होकर काम करने का मौका मिले। गठबंधन से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ये भी बताते हैं कि कुछ राज्यों में अभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ चुनावी सहमतियां नहीं बन पाई, इसलिए लोकसभा की सभी सीटों पर प्रत्याशियों का पूरा खाका तैयार नहीं किया जा सकता है। उनका मानना यह भी है कि जैसे ही बचे हुए राज्यों में विपक्षी दलों के साथ मिलकर सहमतियां बनेंगी, फिर एक साथ सभी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की रूपरेखा तैयार होगी। वहीं इस बार प्रमुख विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA ने यही योजना बनाई है कि लोकसभा चुनाव के दौरान होने वाली प्रमुख रैलियों जनसभाओं में सीधे तौर पर PM मोदी पर हमला नहीं होगा। यह भी एक स्ट्रैटेजी के तहत है। अब सूत्र ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही संयोजक के रूप में कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमान संभालते नजर आएंगे, लेकिन इस बात से पर्दा तभी उठेगा जब औपचारिक तौर पर INDIA की तरफ से कोई घोषणा या कोई ऐलान किया जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।